कैसे आप लोग सब? दिस इज अर्जुमन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड 5 एंड हियर वी विल स्टडी सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 7 ऑन द चैप्टर दैट इज ऑन इक्वालिटी. ठीक है, सब्जेक्ट्स का एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इन द प्रीवियस क्लास. वी विल स्टार्ट एन न्यू चैप्टर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन इक्वालिटी. यहाँ पर हमने इसके एडल्ट फ्रेंचाइज तक डिस्कस कर लिया था. ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. और मैंने आप लोगों से कहा था इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्चुअली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है क्या. ओके, थोड़ा सा उसका डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ. व्हाट इज दिस एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज? यहाँ पे आपने देखा बच्चों, वोट करने की जितने भी क्राइटेरिया है उन सबको मिला के एक कंडीशन बना, एक नया प्रॉपर्टी और एक नया प्रोसेस बना जिसे हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक ऐसा मैं कह सकती हूँ, एक ऐसा तुम रूल कह सकते हो, एक ऐसा स्टेटमेंट कह सकते हो, एक ऐसा नया लॉ कह सकते हो. ये तो हमारी गवर्नमेंट का एक हिस्सा है तो दैट इज अ लॉ. एक ऐसा लॉ कह सकते हो जिसके अंतर्गत हर किसी को वोट करने का अधिकार मिलता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर कोई भी हर इंसान को, हर शख्स को वोट करने का अधिकार मिलता है. फिर चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजियस, किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी जगह से आया हो, कहीं से भी आया हो, कोई भी लोकेलिटी से बिलोंग करता हो, कोई भी एजुकेशनल फील्ड से बिलोंग करता हो, तो जितनी भी कंडीशंस जो हमारे वोट को देने के लिए अप्लाइड होती है वो सब किसके अंतर्गत आती है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर आती है. ठीक है, और ये हमारा जो इक्वालिटी है, जो हमारे इक्वालिटी एक फैक्टर है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये बनाया गया है. ठीक है, ये एस्पेक्ट जो नया निकला है ना हमारे सिस्टम में, दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्टर ऑफ इक्वालिटी. और इक्वालिटी क्या है? हमारे डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ना. हमारे डेमोक्रेसी में इक्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन प्रिंसिपल है, सबसे मेन सिद्धांत है इक्वालिटी, जो हमारे देश में अभी मुझे लगता है बहुत कम है. ओके, सो ये आप लोगों को मैंने बता दिया व्हाट इज दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी. ये तो था हमारा सबसे बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट वन. इसके बाद और भी तरह की कुछ इक्वालिटी होती है हमारे सोसाइटी में. आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी? अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी व्हिच इज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम. ठीक है, गरीब होना एक अलग सा डिस्क्रिमिनेशन है जो लोगों के बीच होता है कि अमीर लोग एक तरफ, गरीब लोग एक तरफ. गरीब हमेशा छटे हुए रहते हैं लोगों से, हर सोसाइटी में सबसे अलग होते हैं. लेकिन गरीबी के अलावा भी कुछ ऐसे कंडीशन है बच्चों जिसके बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेट, बाकी सोसाइटी से अलग किया जाता है. एंड दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा हमारे आज के देश का, सबसे गर्म और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, दैट इज कास्ट सिस्टम. ठीक है, हमारा कास्ट सिस्टम, हमारा जातिवाद, हमारा धर्म पे हमें बांटना, धर्म के हिसाब पे जो इंडिया में आजकल बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, धर्म पे डिस्क्रिमिनेट करना. तो हमारी इक्वालिटी, हर अदर टाइप्स ऑफ इक्वालिटी जो बेस्ड है वो सिर्फ गरीबी पे नहीं, अब अमीर और गरीब का डिस्क्रिमिनेशन हम लोग नहीं देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे वैसी इक्वालिटी जो लोगों को सामना करना पड़ता है उनके जात के हिसाब से, उनके धर्म के वजह से. ठीक है, तो उनके धर्म की वजह से बहुत सारा, सबसे बेसिक है कि अगर वो हिंदू और मुस्लिम है और कोई सिख ईसाई है, ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम में भी बहुत सारे कास्ट होते हैं अलग अलग. तो जस्ट बिकॉज अगर कहीं पर आप देखोगे कि हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे मुस्लिम्स को वो जगह नहीं मिलेगी जो हिंदू को मिल रही है, उन्हें वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, इक्वालिटी नहीं मिलेगी. और यही एट द सेम टाइम अगर आप किसी मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम किसी ऐसे जगह पर जाओगे जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है, कोई ऐसा सीख, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसा कोचिंग सेंटर, तो आपको वहाँ पे भी दिखेगा कि जो मुस्लिम को सीट्स मिल रही है, जो मुस्लिम को एडवांटेजेस मिल रही है, वो एट दैट पॉइंट हिंदू को कम मिलेगी. तो ये इनइक्वालिटी है जो लोग फेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट सिस्टम. ठीक है, द नेक्स्ट वन, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, अपने डिग्निटी को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना. व्हाट इज दिस टर्म डिग्निटी मीन्स? ये हम लोग अभी पढ़ेंगे कि डिग्निटी का मतलब क्या होता है, अपने डिग्निटी को पहचानना क्या होता है. When person are treated unequally, their dignity is violated. जब किसी इंसान के साथ ना इंसाफी होती है या उसे कहीं पर अनइक्वल, बराबरी नहीं, बराबरी का अधिकार या बराबरी की जगह नहीं मिलती है, तो उस इंसान की डिग्निटी के साथ गलत, उस इंसान की डिग्निटी हर्ट होती है, उस इंसान की डिग्निटी वॉयलेट होती है. ठीक है, ठीक है. और तो अब भाई आप लोगों को ये तो पता चल गया कि इंसान की डिग्निटी हर्ट होती है, इंसान की डिग्निटी वॉयलेट होती, मतलब कि उसे चोट पहुंचती है उस डिग्निटी को. तो डिग्निटी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे चोट पहुंचने पे इंसान भी भड़क सकता है? आखिर ये क्या है, कौन सी पंछी का नाम है? सो
Dignity is the right of a person to be valued and respected for their own sake and to be treated ethically. यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिग्निटी वो अधिकार है जो एक इंसान को दिया जाता है उनका. डिग्निटी एक इंसान का अधिकार जो उसे धर्म और किसी वेशभूषा या किसी जगह से नहीं मिलता, उसे बाय बर्थ उसके अंदर वो अधिकार होता है. ठीक है, उन्हें वो अधिकार गिवन होता है. एक ऐसा अधिकार है जो उन्हें मिलता है जिसके अतिरिक्त उनका वैल्यू और उनका रिस्पेक्ट उनके खुद के सेक के लिए और उनके ट्रीटेड उनके लिए ये होता है ना कि ये हक उन्हें इसलिए दिया जाता है कि उन्हें एक जैसा ट्रीट किया जाए, उनके वैल्यू को हर्ट ना किया जाए. ठीक है, उन्हें इज्जत दी जाए, उन्हें एक जैसा रिस्पेक्ट दिया जाए फॉर देयर ओन उनके खुद के भले के लिए एंड टू बी ट्रीटेड एथिकली और कॉमनल ट्रीट किया जाए, बाकियों के जैसे बराबरी में ट्रीट किया जाए. ठीक है, डिग्निटी वो अधिकार है. तो अगर हम अपनी डिग्निटी को छोड़ देंगे, अगर हम मेरे अंदर डिग्निटी नहीं है ना बच्चों, अभी बहुत से लोगों को नहीं समझ आया कि मैम ने क्या कहा, कौन सा अधिकार है डिग्निटी. तो मुझे एक एग्जांपल ले लो. ठीक है, मैं एक एग्जांपल हूँ और फर्स्ट करो हेयर इज माई सिस्टर. ठीक है, यहाँ पे मेरी एक बड़ी बहन है, वो एक एग्जाम्पल है. मेरी बड़ी बहन के अंदर डिग्निटी है, मेरे अंदर डिग्निटी नहीं है. तो मेरी बड़ी बहन के अंदर डिग्निटी है, ये कहीं जाती है किसी भी जगह पर, और इन्हें इसलिए वहाँ पर हटा दिया जाता है या वहाँ से बोला जाता है कि आप इस पार्टी में पार्ट नहीं ले सकती जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने या आप बहुत सुंदर नहीं दिख रही हो, आपको इस पार्टी से जाना पड़ेगा. तो वहाँ पर उनका क्या हुआ, डिग्निटी हर्ट हुआ, डिग्निटी वॉलेट हुआ. वो अधिकार जो उनके जो उन्हें दिया जाता है कि वो हर जगह पर इक्वल वैल्यू में जानी जाए और उन्हें उतनी ही इज्जत मिले जितनी बाकियों को मिल रही है, तो वो क्या हुआ, वहाँ पर उन्हें नहीं मिली, उनकी डिग्निटी हर्ट हुई. अब मेरे अंदर डिग्निटी नहीं है, मैं कहीं भी किसी भी पार्टी में गई, कहीं पे भी किसी भी जगह पे गई, कहीं भी खाने पे मुझे दावत पे बुलाया गया और मुझे लंच पार्टी के लिए बुलाया गया, मैं वहाँ पर गई, बट मैं मुझे अच्छे से मैं ड्रेस्ड अप नहीं हुई, मैं बाकियों के जैसा इक्वली नहीं लग रही हूँ, मैं थोड़ा सा अनड्रेस्ड हूँ, तो वहाँ पर मुझे लोग बोलेंगे यार तुम यहाँ पर बैठ के खा नहीं सकते हो, जाओ तुम अच्छे से कपड़े पहन कर आओ तब खाना, या फिर तुम चले जाओ, यहाँ पर सूट नहीं कर रही हो तुम हमारी सोसाइटी में. तो मेरे पास डिग्निटी नहीं थी इसलिए मुझे बुरा नहीं लगेगा. मैं क्या करूंगी, मैं बेशर्म होगी जैसे बोलेंगी नहीं मुझे खाना, मैं वहाँ पे बैठ के खा लूंगी. तो अगर मेरे पास डिग्निटी नहीं है तो मेरी जो वैल्यू है, जो मेरा रिस्पेक्ट है, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे इक्वली ट्रीट करना चाहिए, वो जो राइट है, वो जो अधिकार है कि मुझे इक्वल वैल्यू इक्वल रिस्पेक्ट मिले बाकियों की तरह किसी भी सोसाइटी में उठने बैठने के लिए, वो मेरे अंदर नहीं. अब वो मेरी बहन के अंदर था इसलिए मेरी बहन को बुरा लगा, मेरे अंदर नहीं था तो मुझे बुरा नहीं लगा. एक संबंध है डिग्निटी, अगर किसी के अंदर डिग्निटी है तो उसकी अगर अहम को, उसकी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई जाएगी तो उसे बुरा लगेगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं फील होगा. और ये डिग्निटी का ख्याल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रखती है. ठीक है, ये डिग्निटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी, इसीलिए इक्वालिटी में दूसरा सबसे अहम चीज़ जो बहुत ज़्यादा वॉयलेट होता है बच्चों, वो एक इंसान की डिग्निटी, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. अब हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का क्या मतलब है भाई, उसको जान लेते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी बहुत कम ही नजर आती है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भारतीय संविधान है, उसके अतिरिक्त हर इंसान, उनकी नज़र में हर इंसान बराबर है. हर इंसान, इवन एक छोटा बच्चा से लेकर के बड़े से 60 to 70, 100 ईयर्स के पापा दादा तक, ग्रैंड फादर तक इक्वल है. ठीक है, फिर चाहे वो किसी भी जगह से हो, किसी भी स्टेटस के हो, किसी भी कास्ट के हो, रोड पे रह रहे हो, महल में रह रहे हो, डजंट मैटर. एक कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में, हमारे इंडियन, हमारे भारतीय संविधान के नज़र में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में हर इंसान बराबर है. वो हर इंसान को एक जैसा पहचानती है एज अ सिटीजन. ठीक है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. This means that every individual in the country, including male and female persons from all caste, religion, tribes, educational and economic background, are recognized as equal. इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि हर इंसान, every individual, हर इंसान, फिर चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, doesn't matter, हमारे देश का हर नागरिक, हर इंसान हमारे देश का, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी ट्राइब से आया हो, मतलब वो अगर वो जंगल से आया हो, अगर वो किसी भी अदर एरिया से आया हो, अगर वो समुद्री इलाके से आया हो, किसी भी ट्राइबल एरिया से भी आया हो, कोई भी उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, मतलब हमारा स्टेटस पुअर एंड रिच, विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया,
वो किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, वो एक रोड पे झाड़ू लगाने वाले या फिर वो एक टाटा अंबानी ग्रुप के होल्डर ही क्यों ना हो, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में बराबर है, रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल, वो सब एक समान है। और सभी एक समान क्या है, सभी को एक ही स्टेटस में नापा जाता है यहाँ पे, दैट इज दे ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सब इस देश के नागरिक हैं। ये नहीं कहा जाएगा वो इस देश के बहुत इंपॉर्टेंट नागरिक है तो वो इस देश के VIP नागरिक है, वो इस देश के मिडिल क्लास नागरिक है, वो इस देश के लो क्रेडिट नागरिक, नहीं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे डेमोक्रेसी में देश का हर नागरिक वहाँ पर इक्वल होता है, हर इंसान यहाँ पर, फिर चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पर भारतीय नागरिक के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लॉ बनाती है तो इस बात को सोच के बनाती है कि हर इंसान इसमें डील कर सके, किसी भी इंसान को, देश के किसी भी नागरिक को किसी भी लॉ से कोई परेशानी नहीं हो, फिर चाहे वो बहुत अमीर हो, बहुत गरीब हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आज के लिए आपके लिए इतना ही। एंड यस बच्चों, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू आस्क मी एंड दैट कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, टिल देन बी सेफ, थैंक यू।